इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन का ईएमएफ बता रखा है, इसका भी बता रखा है। क्वेश्चन इस रिएक्शन का ईएमएफ पूछ रहा है। तो जब ये रिएक्शन में टाइटेनियम का पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाएगा और यहाँ जीरो आएगा। सो दिस इंप्लाइज ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो इसे अगर यहां जाना है तो दिस विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये रिएक्शन कैसे है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। रिएक्शन ए और रिएक्शन बी को आप ऐड कर दीजिए तो आपको रिएक्शन सी मिल जाएगा। तो इसका ईएमएफ कितना होगा, तो देखो इसमें हम लोग सिंपली इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ईएमएफ का सिंपल एडिशन नहीं होता है। ईएमएफ का हम लोग पहले डेल्टा जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेल्टा जी का हम लोग सिंपल एडिशन कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं डेल्टा जी ऑफ सी रिएक्शन विल बी डेल्टा जी ऑफ ए प्लस डेल्टा जी ऑफ बी। क्यों? बिकॉज जो थर्ड रिएक्शन है या रिएक्शन सी है वो ए और बी को ऐड करने से आया है। तो हम लोग को पता है जब रिएक्शन ऐड करते हैं तो डेल्टा जी भी ऐड हो जाता है। नाउ डेल्टा जी ऑफ ए विल बी माइनस एन ए एफ ई माइनस एन ऑफ ए एफ फैराडे इनटू ई ऑफ ए प्लस माइनस एन ऑफ बी into F into E of E and delta G C will be minus N of C into F into E of C. हो गया ना। अब F F F चला गया, minus 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 चला गया, तो implies that N of C into E C is equal to N of A into E A प्लस एन ऑफ बी इंटू ईबी। आप सबको पुट करना है दोस्तों, तो ये 4 है, 4 ए सी इज इक्वल टू 2 सॉरी 1 1 इंटू ईए कितना 0.1 प्लस बी रिएक्शन का 3 इंटू माइनस 1.2। तो इसको ऐड करेंगे तो 0.1 ये माइनस हो जाएगा 1.2 मतलब 3.63 आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 3.53। सो 4 ई सी इज इक्वल टू माइनस 3.53 इंप्लाइज दैट ई सी इज इक्वल टू माइनस 3.53 बाय। इसको हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा।